सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, यानी कि अगर आप अपनी वीडियो की बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो पर मैं आपको सिखाया है। वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो लिंक की आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या आप चाहो तो इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो यहां से हम सबसे पहले बी एन ऐप को ओपन करते। सो बी एन ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे एक प्लस आइकन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सबसे पहले वीडियो से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से अपना एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। सो मैं आपको दिखा देता हूं। सो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ब्लर बैकग्राउंड, तो आपको वहां पर काफ़ी सारा जो ब्लर बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप वहां से कोई भी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया था, तो आप भी डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको नीचे यहाँ पर एक एरो का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है बी एन एडिटर ऐप में। सबसे पहले आपको ऊपर में ओरिजिनल मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 9:16 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप यहाँ से स्क्रीन से रिमूव कर लेंगे। देन आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पार्ट डिलीट हो जाएगा। सो बेसिकली इस ब्लैंक पार्ट के अंदर एक वाटरमार्क आ जाता है, सो हमें अपनी वीडियो पर कोई भी किसी भी तरह की वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो मैंने डिलीट कर लिया, तो आप भी डिलीट कर लेना। उसके बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका टाइमलाइन आप इस तरीके से बड़ा कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो जितनी मिनट का आपका वीडियो या जितनी सेकंड का, ठीक है, उसी हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टैप टू ऐड स्टिकर स्लैश पीआईपी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। सो जिस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो, तो मैं अपना वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक और ये हमारा वीडियो आ चुका है। सो अभी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वीडियो का बैकग्राउंड आप इस तरीके से कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये जो आपको कलरफुल बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड इस तरीके कलरफुल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। उसके बाद आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे, आपको मिलेगा क्रोमा नाम का एक ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन में एक पिकर दिखाई दे रहा है, सो पिकर को आपको सिंपली कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर ला के छोड़ देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो स्पिल मिलता है, इसका अमाउंट जीरो कर लेना है और इंटेंसिटी का अमाउंट आपको इंक्रीज़ करना है। सो इसे आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लेना, लाइक 55% कर रहा हूँ और इसे हम थोड़ा इंक्रीज़ करके देखते हैं। सो इसको आप जीरो ही रखना, ठीक है। उसके बाद कर देना है डन। सो डन करने के बाद आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, जिस वीडियो का आपने बैकग्राउंड ब्लर किया उसको आपको सिलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम, आप इस पर आ जाएंगे। इसका जो साउंड है, आप इसको, इसका जो वॉल्यूम, इसको आप पूरा फुल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो बैकग्राउंड का एक्स्ट्रा पार्ट आप डिलीट कर लेना। सो जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल डीएसएलआर जैसा यहाँ पर हमारे वीडियो का जो बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है, सो पता भी नहीं चल रहा है। सो आप इस तरीके से जो है काफ़ी इजीली अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। सो आप देख सकते हो, सो अभी काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ से हम ये जो डार्क है इसको अप्लाई करते, सो ये आपको यहाँ पर काफ़ी सारा मिलता है, सो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी मॉडल का जो ड्रेस उसके साथ काफ़ी मैच होता है, तो मैंने इसको अप्लाई किया और उसके बाद देख लेते। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो के एक्सपोर्ट कर लेते, उसके बाद मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से 4K रेजोल्यूशन या कोई भी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। और FPS आप 60 चूज़ कर लेना, फ्रेम रेट आप हाई चूज़ कर लेना, टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना, तो आपका जो वीडियो है सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बात करते हैं आप इस तरीके कलरफुल बैकग्राउंड कैसे अपनी वीडियो की बैकग्राउंड पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से वीडियो के बैकग्राउंड पर कलरफुल या फ्लैट बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा कैपकार्ट वीडियो एडिटिंग ऐप। और कैपकार्ट के अंदर एक फीचर मिलता है रिमूव बैकग्राउंड, उस रिमूव बैकग्राउंड की मदद से आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में
इस तरह कलरफुल या फ्लैट बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। और मैंने इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बना कर रखा हूँ, सो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।